क्या नाम है आपका और क्या घटनाक्रम जो आपका चल रहा है और अब उसमें क्या कार्रवाई होना बाकी रह गई है? मेरा नाम साक्षी गोस्वामी है और मेरी जो ससुराल है वो 712 तिलक कॉलोनी सुभाष नगर में है। वहाँ मेरे साथ मारपीट की जाती है, मेरे से दहेज की मांग की जाती है। मेरी इस समय 2 बेटियाँ हैं, उन बेटियों के लिए भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरी सहायता करी जाए। और इस समय की कंडीशन ये है कि मैं हर समझौता मेरे साथ हो गया है, सब कुछ हुआ थाने में, मेरे साथ समझौता कराया गया, इन लोगों ने समझौता करने के बाद भी मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं और मुझसे ये कहते हैं कि इतने इतने पैसे लेकर आ तब तुझे वापस रखेंगे। मेरे साथ बहुत मारपीटें करते हैं। उन्होंने 16 जून को मेरे साथ मारपीटें की थी जब मैं 8 माह की गर्भवती थी। उस दौरान मेरा मेडिकल हुआ था क्योंकि मेरी बहुत चोटें आई थी। मेडिकल के बाद मेरा 19 तारीख को समझौता हुआ था। समझौते में उन्होंने साफ कह दिया कि हम तुम नहीं लेकर जाएंगे जब तक मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। दरोगा जी के कहने समझाने से मैंने कहा ठीक है चल सरिए, कि अगर ये चाहते हैं कि मैं बाद में जाऊँ मेडिकल रिपोर्ट आने के तो मैं उस बात चली जाऊँगी। 21 तारीख को मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि हम अभी भी इनको नहीं ले जाएंगे। अब ये है कि सर ये लोग मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाते हैं, वो इस चीज़ के कि मैं चोरी करके ले गई, ये ले गई, जबकि इनके 2 वर्ष पहले इनके छोटे भाई की शादी हुई थी, उसी दौरान मेरे से मेरे जितना जेवर था सारा कुछ छीन लिया गया था। उस दौरान भी मुझे मारा गया था। 2017 में 29 अप्रैल को भी इन्होंने मुझे मारा था, जिसके दौरान मेरा हाथ टूट गया था। उसका इलाज मैंने डॉक्टर जे के अग्रवाल के यहाँ करवाया था। जो इलाज के कुछ कागजात थे वो इन लोगों ने जला दिए थे। उसके कुछ जो है मेरे पास हैं, जिनको मैंने पिछले साल कोर्ट में हाजिर भी किया था, उससे इन लोगों ने ये चीज़ कबूली थी कि हाँ हमने मार पिटाई करी थी। अभी भी ये है कि 16 जून को इस कंडीशन में आए थे कि मेरे को मार पिटाई करी, मेरे से हाथापाई करी, जबरदस्ती गाली गलौज दी मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को, सबको, मुझे। मैंने जब उसका विरोध किया, विरोध करने पर इन्होंने मुझे बहुत मारा था। मैंने PRB की सहायता से अपनी सहायता मांगी और मैंने थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस दौरान की कंडीशन ये थी कि इन लोग ये कहते हैं कि कोई कार्रवाई मत कर, कुछ भी मत कर, और ये लिख कर दे दे साफ शब्दों में कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगी और मैं तभी इसी शर्त पे तुझे लेकर जाऊँगा। अब ये बताइए, अगर मैं ये कह दूँ कि मेरी कोई कार्रवाई नहीं होगी और अगर मैं कार्रवाई के लिए मना कर दूँ तो ये अगर कल को मुझे ले जाके इन लोगों ने मार दिया तो ये बताइए उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब क्या चाहती हैं, प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं? मैं प्रशासन से अभी यही मदद चाहती हूँ सर, आज की विदत है, इनकी माँ है जो वो ये भेजती हैं महिला आयोग वगैरह से लेटर, और ये खुद हरिंद्र गिरी जो मेरे पति हैं वो, इनकी माँ मीरा देवी, ये सभी मेरे के लिए ये नोटिस भेज रहे हैं। एक तरफ नोटिस भेजते हैं और कहते हैं कि क्या कहते हैं, मैं बुलाना चाहता हूँ घर पे, और मेरी बहू बहुत अच्छी है, सब कुछ है। जब मैं इस चीज़ के लिए कहती हूँ कि मैं घर आना चाहती हूँ, अभी भी मेरे पति के लिए मेरे पास खबर आई थी, उसके लिए मेरे पास सबूत भी हैं। इनके छोटे भाई जितेंद्र गिरी ने मुझसे ये कहा था कि भाभी ऐसे ऐसे भाई के चोट लग गई है, वो जाल से गिर गए हैं, उनके चोट लग गई है, तो आप मुझे मेडिकल का कागज़ दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है मैं कार्ड दे दूँगी जितेंद्र, मैं चाहती हूँ कि मैं भी मिल लूँ उनसे, उन्हें देख भी लूँगी, उनका कार्ड भी दे दूँगी। तो जितेंद्र गिरी साफ शब्दों में कहते हैं सुभाष नगर मत आ जाना और ना ही घर आना, घर आने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बताइए सुभाष नगर आने के लिए मना किया मतलब क्या, कुछ अपनी घटना घटित हो जाएगी या किस लिए मना किया आपको? नहीं घर नहीं, घर नहीं, हम हमारे घर मत आना, हम घर नहीं लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बात हमने बराबर जब मेरी बेटी हो गए हैं आपकी शादी को, मेरे शादी को 5 साल हो गए हैं। 5 साल में लगातार शुरुआत से ऐसा होता है? शुरुआत से मेरी जब पहली बेटी का जन्म हुआ था उसके बाद से इन लोगों ने यही प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी। हर रोज़ मुझे प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, मुझे दहेज की मांग करते थे। इनके बड़े भाई हैं राजीव गिरी, वो ये कहते थे तू अपने घर से कोई सामान भी ढंग का नहीं लेकर आई है, ढंग के सामान लेकर आ वरना इतना पैसे ला के दे। अभी भी विवाद हुआ था, मेरे पिताजी ने इनको चलाने के लिए एक गाड़ी दी थी क्योंकि इनके पास गाड़ी नहीं थी। इन्होंने कहा था पापा हमें गाड़ी दे दीजिए, हम कभी कहीं जाना होता है दिखाने खाने बच्चों को कहीं तो हम ले जाए, पापा कहे ठीक है चलो ले लो मेरी गाड़ी। उसके बाद जब गाड़ी इनके घर पहुँच गई इस तरह मारपिटाई करने लगे तो फिर मुझे मतलब बिल्कुल ही सामने मुझे धमकी देते थे कि तेरे पिताजी को मैं तेरी ही पता की गाड़ी के इल्ज़ाम में और कुछ सामान रख के या कुछ भी दुर्घटना करके मैं फंसा दूँगा उन्हें, और फिर तेरे पापा जब जिंदगी भर की जेल काटेंगे तब तुझे एहसास होगा, तब ला के देगी पैसे या नहीं देगी, ये मुझ पर ब्लेम करते थे। आज की भी ये, कल हमारे पिताजी ने जब ये सब प्रतिक्रिया मैंने अपने पापा को अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है बेटा फिर मैं गाड़ी निकलवा ले रहा हूँ। जब उन्होंने गाड़ी ली तो गाड़ी लेने के बावजूद भी ये लोग ये झूठे एलिगेशन लगाने हैं कि मेरा भाई या मेरे पिता सब लोग या मैं
इन्हें ये धमकी देते हैं मारने की। ऐसा सर बिल्कुल तत्व सब झूठे हैं ये। ये आज तक का है कि मैंने हर रोज़ इन्हें फ़ोन करा है, हर रोज़ इनके लिए मैसेज भेजे हैं कि बेटी बात करना चाहती है, मुझसे बात नहीं करनी है, चलो बेटी से तो बात करके देख लो। लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं करी है बेटी से भी, किसी भी तरीके की भी, कैसी भी कोई बात नहीं करते हैं। नंबर सब ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, किसी मैसेज का कोई जवाब नहीं है। उस दिन जब मैं जो चौकी इंचार्ज है सुभाष नगर, उनको लेकर अपने ज़रूरत के कुछ कपड़े लेने के लिए गई थी, तो उस दौरान भी इन्होंने मेरे मतलब बहुत ज़्यादा वो हुई थी, बहस बहसा, इन्होंने गेट नहीं खोले, गेट बंद कर लेते हैं ये लोग। और उसके दौरान जब मैं सामान लेकर आई अपना जो भी ज़रूरत का मुझे कपड़े चाहिए थे, तो इन्होंने ये कह दिया कि क्या कहते हैं ये 20,000 रुपये चुरा के ले गए। हर बार मुझ पर यही इल्ज़ाम लगाते, उस दिन 20,000 चुराए, कल की घटना के लिए दर्शा दे जाए तो ये कह रहे हैं कि मैं 5,00,000 रुपये चुरा के ले गई हूँ। सर ये बताइए, जब मैं पुलिस की निगरानी में आई हूँ तो मैं कहाँ से पैसे चुरा सकती हूँ, ये बता दीजिए। पुलिस के पूरा सबूत है, मेरे पास सबूत है, पूरी वीडियो बनी हुई है, और ये इस तरीके के झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं घर पर आने की कहता हूँ तो ये धमकी देती है कि मैं मार दूँगी। आज तक का है सर, आज मुझे 16 जून से अब तक मुझे 4 महीने हो के 5 माह लगने वाला है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझसे ना कोई बात करी है, ना कुछ किया है, और ना ही ये यहाँ आए हैं जो इस तरीके के झूठे इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं कि मैं मारने की धमकी, बल्कि मारने की धमकियाँ तो मुझे मिलती हैं जिसका सबूत तक भी मेरे पास है। और मैं चाहूँगी कि उन सबूतों को मैं पेश भी करूँगी जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। और शादी के लिए ये कहते हैं कि मेरा प्रेम विवाह हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, प्रेम विवाह हुआ है ये सब झूठे। मेरा वह कहना सिर्फ स्वरूप बैंकेट हॉल में मेरी शादी हुई थी 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2015 को। जितना भी जो भी दान है जो बनता है एक पिता से, उतना उन्होंने मेरे पिताजी ने मुझे सभी कुछ दिया, क्योंकि मैं उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी कभी दुखी ना रहे। लेकिन ये लोग सब झूठ बोलते हैं कि मुझे दान दहेज नहीं मिला, सब उस दान दहेज तक का भी मेरे पे एक एक बिल, एक एक सबूत है, सब चीज़ है कि इन्होंने मैंने क्या क्या चीज़ हमारे पिताजी ने हमें दी है। बस फिलहाल मैं यही सहायता चाहती हूँ कि जो मुझ पर ये झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उन इल्ज़ामों से मुझे मतलब मुक्त किया जाए। मैं इस तरीके के इल्ज़ाम नहीं सह पाऊँगी, क्योंकि बहुत गलत और झूठे, हर तरीके से झूठे इल्ज़ाम है, उनका कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरे पास हर इस इल्ज़ाम के तोड़ के हर एक सबूत है, क्योंकि ये ना तो मेरे घर कभी आए हैं, ना बच्चों से मिलने की कोशिश की है, ना बात करने की कोशिश की है, ना मुझसे कभी बात करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि मैं इनके घर जाती हूँ पुलिस के सहारे से, किसी के सहारे से इनसे मिलना चाहती हूँ, तो इनके भाई जो हैं राजीव गिरी और जितेंद्र गिरी वो मुझे मिलने नहीं देते हैं। और इनके एक भाई हैं छोटे, वो मुझे ये कहते हैं कि ये पागल है, कि ये ऐसी, इसको छोड़ दो, इसे तलाक दे दो, हम तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। इस तरीके के ये ब्लेम करते हैं।